नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अमेठी जनपद के पीपरपुर थाने में मारपीट के बाद जान से मारने का ऑडियो हुआ वायरल। अमेठी जनपद के पीपरपुर थाने के पीपरपुर गांव के पूर्व पट्टी लालजी प्रजापति सु तुलसी राम के पड़ोसी बेचू राम कविता राजू पूर्णिमा व राज बहादुर प्रजापति के बीच छप्पर को लेकर मारपीट का मामला तारीख 17 मई समय दोपहर 12 बजे को पीड़ित लालजी प्रजापति का आरोप है कि मुझे मारे पीटे और मेरी पत्नी को भी मारे, जिससे काफी चोटें आई। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, जिसके कारण काफी अंदरूनी चोटें आई हैं, जिसकी सूचना थाना पीपरपुर को दी गई है, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई, जिससे विपक्षी के हौसले बुलंद है, जो जान से मारने के फोन पर धमकी दे रहा है, जिसका ऑडियो भी पीड़िता के पास है। इसकी सूचना भी पीड़ित ने थाने को दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि अमेठी एसपी तेज तर्रार दिनेश सिंह के द्वारा क्या कार्रवाई होती है। राज बहादुर व्हाट्सएप पर पुलिस की वर्दी फर्जी पहनकर अपने आप को पुलिसधारी बताता है। राम कैलाश पटेल की रिपोर्ट। हेलो के फोन करता है? आवा तू यार घर, आवा तू घर मिला तई तो कावा। अरे रास्तों में लेकर भैया, आवा मिल ला। आवा यार घरे मिला तई, रास्ता में कहा करे मिला तो से रास्ता मिला थे हिंजड़ा हिंजड़ा ना हो हम भैया, हम रास्ता में ना मिला बहुत तो का घरे मिलते अब। अरे नहीं मतलब रास्ता में पूछा था मारे कहीं आवा रास्ता मिले थे। आवा हम तो का घर मिलते ही आवा 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 तोरे पास 20 की गुंडा भैया, मेरे पास गुंडा ना, तू आवा घर मिलते तो आवा प्रतापगंज ना बोलता तो जो ठीक है। अरे हम भाग गुंडा ना बना होता प्रतापगंज ना बोला उठा, अब हम तो का घरे मिला तो यहाँ बस हम घर तो का मिल गया दे, इतना घर छोड़ दे बटे अगर रास्तों मिले को मिल ले। हम तो बता तू बाबा, हम यहाँ मिला तो का ना घरे अब। अरे हम रे उबे ना कर बात जे का मारो माल। हां हो बोला वो कहां है तो बतावा। बताऊ बे कहां है तो बताऊ बे, हम से मिले होते कहां है तू, हमसे कौन मतलब है तू का, तू कहां है पहले बताओ, तुझसे कौन कम है बताओ, तो से जितना पूछा था बताओ पहले कहां है मौके पे बतावा, तो पहले कम हो बतावा, हम तो से मिले हवा तही। अरे कौन जरूरी है मिलेगा हमसे कौन, हाँ हाँ जरूरी है, जरूरी है भैया तो से जरूरी है, फिर बताओ कहाँ है तू, बस अरे घर आवा थी घर है मिला था ही। हाँ आवा आवा आवा। हेलो कहाँ हो, थाना पुलिस करे है कहाँ करी भैया, हाँ कहाँ करी कहाँ ना करे कहाँ महापारी चोट दे पाए के बाद पाए उल्टी गिनती चालू कर दे कहीं आजाद कर लिया अब तो हर जिंदगी कर देखा झगड़ा लड़ाई तू उल्टा केस लिखवाया के गलती है करी मेहरारू तू दिखाया आपने मेरे को तो मारा था के तोर मेरा जब तोरे हाथवा के लगाई तोरे घर वाले के लगाई इसके देखी आ दवाई के सबूत तोरे घर वाले लगाए और क्या। अरे तो सबूत के से क्यों दोगे तू यार, क्यों वहां दवाई दार बेटा ज्ञान ले लाल जी तुम्हारे बकलो ना खोल दे भाई के बाद ना तो नाम डरवा दे हमारे अप्लीकेशन मामा ना तो बकलाऊ ना खोल निकलवा दे तो पप्पाए ना चूके उल्टा केस लिखवाया यार। जब देखा सुधर धमकी तो देता धमकी ना तो धमकी तोरे गाय डार दे हमारे बाद रिकॉर्डिंग करके सुना दे देता सुना रखो उल्टा केस लिखवाओ था ना तू सारी बगल वाले गवाही दार ना यहाँ 50 जन गवाही इकट्ठा कर के कहकर सामने छान रख के इनका मारी बतावा क्या हाथ लगाई सुनका तोरे तोरे कौन मन से तू कर रहा तोरे बहनी है तोरे मातरी है ठीक है। हाँ तो लिखवाया मातरी है बहनी लिखवाया तो जे जे मारे है क्या के मारे तोरे मेरे रुआ के कितना कहा भाई कितना चोट भाई तू गया जो करो राज तू जो करो कर भैया ठीक है। फार्म तोरे गणियम डार दे पार जितनी गुंडे हिटलर रही है पार गणियम ना डार दिन तुम्हारा नाम बदल दिया तू अब जा घर तू का बताई करूंगा ठीक है। हाँ आवाज बताई तुम्हारा तो हिटलर रही है सब तोरे गणियम डार दी जितना तू मिला था बहुत अच्छा समझा करे तो का ना जगह मारे सारे तू केस लिखा होता है जगह हलाई मारे ना लेकिन विधवा तो का मार अब देखी थे कैसी जा लिखा हो तू करावा पंचनामा तू मेडिकल करोगे तू अपने फिर से चला ठीक है क्या करवाई दाबा हो इतना तो मेडिकल हो तो गणियम डार दी घर जाने ना पाए तो मेडिकल करावेगा है लेकिन मारो सब मेडिकल तो करवाई दू
और तू ज्यादा 354 मैं याद कर लिया और जेका सुना होगा सुनाया मेहरजुआ के लिखवाया ना हमारे यहाँ उल्टा केस मऊ बनवा हुआ ठीक है तो उसी कमजोर से ना आया है। अरे यार छह महीना आठ महीना माओ थाने में गाड़ी मरवाई उतना तीन पहचान आ तो थी ज्यादा हम तो नहीं कहते तो इतने दिन एकदम हमका मारे सब जने और का तो, मारे था और का करता है तो कस के मारी आज तो आज झगड़ा भाई भाई कोलिया से एक बार में भाई घर ना बने कब मारपीट भाई तू आज से सात साल आठ साल तू आठ साल बाद याद कर भाई ठीक है तोरे तोरे पड़ोसी पहले पप्पू भिड़े पप्पू बाद तोरे घरे वाले पहले फिर आगे हमसे भिड़ने लगे ठीक है ना जाए कौन ना बात बकते कुछ ना आराम से बहुत राजनीति बात कही भाई बात चलो ठीक है बात बात कही तार कोलिया देखा था गड्ढा कहाँ खोदे कहाँ पैक खोदे यार कोटुया आ रहा है मेरा लगा ठीक है भैया अगर तू देख रहा है ठीक है तू हमारा हाँ तो ठीक है आवे तो देखा ठीक है आवे तो तार गर्मी में पहा तो का दिखाए तुझमन ज्यादा कूदा कहा ना क्या कूदा वो निकाल दी तू बता ले बला ला जितना चमड़ उठे इकट्ठा करे खोए टेंशन ना ले हम तो का दिखाए कितना चमड़ उठे इकट्ठा कर तू उल्टा केस लिखवा था लिखवाओ उल्टा केस लिखोगे ना ना सारे कोनो पंचनामा भाई ना झगड़ा ना लड़ाई ठेलिक ठेला भाई ठेलिक ठेलन तो गया वो मेडिकल करावेगा हाँ कितने घरे रहा ठेलिक ठेला और झगड़ा में लिखवा बताए क्यों काम आपका क्या नाम है लालजी प्रजापति ये मारपीट क्यों हुई क्या मामला है पुरानी मढ़ा रख रहे थे इसी कारण हुआ था गाली गुप्त देने लगे इसके बाद हमारे वाइफ को आगे पकड़ दिया मारपीट करने लगे हमारे वाइफ बेहोश हो गई थी पेट में भी मार दिए थे आगे बड़े चोटे दिए हाथों में भी उन्हें कहा था किसकी किसके साथ मारपीट हुई बेचू राम प्रजापति राजू और इनकी वाइफ कविता और इनकी लड़की है पूर्णमा इसके बाद यहाँ से हम अप्लीकेशन डाले इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ तो इसके बाद हम घर पर आए इसके बाद इनके लड़के ने बड़े ने हमें मार डालने की धमकी दिया बहुत काल कहने लगे दबा करने के लिए कि ऐसा है आप पीछे हट जाओ नहीं तो मार डालेंगे जान से कोई वीडियो वगैरह हुआ था इसका भी वीडियो दिखा के हमें धमकी दिया जा रहा है ऐसे कई धमकी मुझे आ रहा है फोन पे मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है दोबारा जी सर 17 तारीख को दिया था 19 तारीख को दिया अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई क्या करेंगे आप सर जी हम आगे बढ़ेंगे क्या मामला है मारपीट क्यों हुई एक मड़ा पुराना रख रहा था इसी वजह से हुआ है किस किस के साथ मारपीट हुई बेचू से बेचू राजू से कट्टर से उनकी लड़की से तो आप लोगों को चोट आई नहीं जी सर कायत में प्रेगनेंसी है इसी वजह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो इसकी सूचना आपने पुलिस को या किसी को दिया अभी तक हाँ दिया था सर क्या हुआ कुछ नहीं हुआ ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।